हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा, कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स त्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 2.2 है। इसका जो पहला प्रश्नावली था 2.1, इसको अपलोड कर दिया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये TGT, PGT, IIT, JEE, NDA व एयरफोर्स जैसे जो ट्वेल्थ लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से देखें, समझें वो अपना नोट्स बनाते चलें, तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। ये पहला क्वेश्चन है इसका, 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो RHS को हल करेंगे दाएँ पक्ष को और बाएँ पक्ष आराम से आ जाएगा। तो इसमें हम RHS को हल करेंगे दाएँ पक्ष को। तो RHS लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x - 4x³। इसमें x का मान रख देंगे हम। अगर x की जगह पर हम रख दें साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे x = sin थीटा। तो थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि बाद में मान अभी रखना पड़ेगा हमको वापस। तो x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 3 sin थीटा और -4 ये हो जाएगा sin³ थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो साइन इनवर्स ये 3 sin θ - 4 sin³θ, ये sin³θ का फार्मूला है। तो इसमें साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3θ। तो 3 × θ का मान हमने यहाँ निकाला है साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये देखिए LHS का मान आ गया, तो ये आ गया हमारा LHS, ये प्रूव, ये हमारा मान सिद्ध हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है 3 cos inverse x = cos inverse 4x³ - 3x। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कास मान रखना है बस। तो RHS को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमको x = रखना है cos थीटा, उसमें sin थीटा रखे थे इसमें cos थीटा रखना है। तो θ = हो जाएगा cos इनवर्स x, इसमें मान रखेंगे हम तो ये बनेगा cos इनवर्स, ये होगा 4 cos³θ - 3 cos θ। इसको सॉल्व करेंगे हम तो cos इनवर्स, ये cos 3θ का फार्मूला है, तो इसको हम लिख देंगे cos 3θ। cos इनवर्स cos हट जाएगा तो बचेगा 3θ। तो थीटा का मान ये आया हुआ है cos इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे हम cos इनवर्स x, ये LHS का मान आ गया, ये मान हमारा सिद्ध हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए तीसरे क्वेश्चन को, इसमें भी हमको LHS वाले को सॉल्व करना है। LHS में है 10 inverse 2/11 और प्लस 10 inverse 7/24। इसमें 10 inverse A प्लस 10 inverse B का सूत्र लगेगा, तो इसका फार्मूला होता है 10 inverse A प्लस 10 inverse B का बराबर 10 inverse A + B अपान 1 - AB। यही फार्मूला लगा देंगे और आराम से मान आ जाएगा। इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे हम तो ये बनेगा 10 inverse, ऊपर हो जाएगा ये प्लस बी, ये की जगह पर 2/11 और प्लस 7/24 और बटे के नीचे हो जाएगा 1 - 2/11 × 7/24। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 inverse 11/24 का LCM लेंगे हम, तो LCM निकलेगा नहीं, गुणा हो जाएगा ये। तो 11/24 का गुणा 11 × 44, 11 × 22 = 22 × 4 = 26। 264 को 11 से भाग करेंगे 24 आएगा, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, 264 को 24 से भाग करेंगे 11 आएगा, 11 का 7 से गुणा 77, बटे के नीचे ये भी सेम वही होगा, इसको गुणा करेंगे LCM लेंगे तो आएगा ये 264, और 264 को 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा 264 माइनस 264 को जब 264 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 7 × 14 से गुणा 14, इसको काट देंगे हम तो ये मान बनकर आया हमारा 10 inverse 48 + 77 यानी 8, 7, 15, 7, 4, 11, 1, 12, 125/4 में से 4 गया 0, 6 में से गया 5 और ये बचा 2, इसको कैंसिल कर देंगे 125 करना में 125 × 250, मतलब आ गया 10 inverse 1/2, RHS मान आ गया, ये हो गया सिद्ध। अब इसके बाद देखेंगे चौथे क्वेश्चन को, ये 4 नंबर है, 2 tan inverse 1/2 + tan inverse 1/7 = tan inverse 31/17। इसमें भी LHS को सॉल्व करेंगे, पहले लिखा 2 tan inverse 1/2
प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले दो को अंदर भेजेंगे हम, तो इसका फार्मूला होता है 2 tan inverse, ये का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2a अपान 1 - a² इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे पहले हम, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a यानी 2 × 1/2 / 1 - a² यानी 1/4, और प्लस इसको वैसे रहने देंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1/4 का नम 4 में से गया 3, ये बना 3/4, और प्लस 1/7 वैसे रहेगा tan इनवर्स 1/7। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा देंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 यानी a प्लस b 1 - 4/3 × 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो tan इनवर्स 7 3 का एलसीएम निकलेगा नहीं तो गुणा हो जाएगा 7 * 21, 21 को 3 से भाग करेंगे 7 आएगा, 7 * 4 = 28, 7 * 21 3 आया, ऐसे ये भी 21 का नाम 21 - 4/21 इसको काट देंगे तो ये बनकर आया tan इनवर्स 28 3 31/21 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 और ये 31/17 ये RHS का मान आ गया, तो ये हो जाएगा RHS प्रूव, ये सिद्ध हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें मेन पहला वाला देखना था 2 tan inverse a का, जिसका फार्मूला होता है tan inverse 2a / 1 - a². अगला सॉल्व करेंगे, ये 5वां क्वेश्चन है, tan inverse 1 + x² रूट में है और -1/x, इसमें x की वैल्यू हमको रखना है क्योंकि यहाँ फलनों के मान निकालना है, सरलतम रूप में इसको करना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, और जब x बराबर tan थीटा रखेंगे तो थीटा मान भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, और थीटा का मान निकालेंगे तो tan उधर जाएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स x, इसमें मान रख देंगे हम तो आएगा tan इनवर्स रूट में 1 + tan² थीटा, -1 बाहर है और बटे tan थीटा, इसको और सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 + tan² थीटा का होता है sec² थीटा, और sec² थीटा और रूट हट जाएगा स्क्वायर थीटा तो बचेगा sec थीटा -1/tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और sec थीटा को लिखेंगे 1 cos थीटा तो ये आएगा tan इनवर्स 1 / cos थीटा और -1, उसी तरह से tan थीटा को लिखेंगे sin θ / cos θ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स cos θ 1 से गुणा होगा तो आएगा 1 - cos θ / cos θ, ये गुणा हो जाएगा cos θ चला जाएगा ऊपर और बटे sin θ, cos से cos कट गया तो आया tan इनवर्स, अब ये 1 - cos θ बना और बटे sin θ। अब इसमें हमें by 2 का फार्मूला लगाना होगा क्योंकि by 2 का लगाएंगे तो एक एक कट जाएगा, आसानी से माना जाएगा तो tan इनवर्स तो 1 - इसमें हम लगाएंगे फार्मूला 1 - 2 sin²θ/2 का, ये cos²θ का 2 सूत्र होता है, एक होता है 2 sin²θ/2 - 1 और दूसरा होता है 1 - 2 sin²θ/2। अगर 1 को हटाएंगे तो cos²θ/2 - sin²θ/2 होता है, तो हमको 1 काटना है इसलिए हमने 1 को पहले लिख दिया, और sin θ का भी सूत्र होता है तो 2 sin θ/2 × cos θ/2, ये sin²θ का सूत्र है तो यहाँ पर 2 है नहीं तो यहाँ पर 2 भाग कर देंगे हम, ये 1 1 कट जाएगा जब ब्रेकर हटाएंगे तो, और ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा मान tan इनवर्स 2 sin²θ/2 / 2 sin θ/2 × cos θ/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 sin से 1 sin कट गया तो ये मान आ गया tan इनवर्स sin θ/2 / cos θ/2, तो sin/cos हो जाएगा tan, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan θ/2, तो tan से tan कट जाएगा तो बचेगा θ/2, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और थीटा का मान हमको यहाँ मिला हुआ है tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें हमने x के मान को रख दिया tan θ, सॉल्व किए, उसके बाद में हमने by 2 का फार्मूला यूज़ किया
इसको सॉल्व किए, फिर मान आ गया हमारा थीटा बाई टू, थीटा का मान हमने रख दिया तो आ गया टेन इनवर्स एक्स हाफ में। ये छठवां क्वेश्चन है, टेन इनवर्स वन अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम रखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रखा जाएगा एक्स बराबर सेक थीटा रखने पर, तो थीटा का मान क्या बनेगा, थीटा का मान बनेगा सेक इनवर्स एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे मान रख करके, तो आएगा टेन इनवर्स वन अपान रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन इनवर्स वन अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये रूट में है तो टेन इनवर्स वन अपान स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आएगा टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा काट थीटा, तो ये टेन इनवर्स काट थीटा आ गया। अब काट को हमें बदलना है टेन में, अब काट को टेन में बदलने के लिए क्या काम करना होगा, इसको कर देंगे नब्बे माइनस थीटा, यानी कि ये बन जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी नब्बे माइनस थीटा, टेन नब्बे माइनस थीटा काट थीटा होता है, तो टेन इनवर्स टेन हट जाएगा तो आएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये बन गया पाई बाई टू और माइनस थीटा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा का मान ये आया है सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कठिन नहीं है। ये सातवां क्वेश्चन है, टेन इनवर्स रूट में वन माइनस कास एक्स बटे वन प्लस कास एक्स, इसमें हमको कास का फार्मूला रखना है, और कास टू थीटा का दो फार्मूला होता है, जैसे अभी पहले रखे थे इसके, कास टू थीटा बराबर टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, लेकिन यहाँ पर दो नहीं है, और जब दो नहीं है तो दो से भाग करेंगे तो यहाँ भी दो से भाग होगा, उसी तरह से एक फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और तीसरा होता है कास स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ज़रूरत है इसकी और इसकी, तो इन दोनों में ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ये कट जाए, तो यहाँ पर एक प्लस में है तो हमको रखना होगा एक माइनस में, लेकिन यहाँ माइनस है तो यानी कि एक प्लस में रखना होगा, यानी कि पहला वाला हमको ये मान रखना होगा साइन वाला, तो यहाँ रखेंगे टेन इनवर्स रूट में वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान वन प्लस, यहाँ रखेंगे कास वाला मान तो टू का स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, तो ये बनेगा टेन इनवर्स वन से वन कट जाएगा, यहाँ से वन कट जाएगा, तो ये बना माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट में आ गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान टू का स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो आ जाएगा टेन इनवर्स रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे कास स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये बनेगा टेन इनवर्स रूट स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो बचा एक्स बटे दो, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका मान आ गया एक्स बाई टू। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आठवें वाले को, ये आठवां क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का वैल्यू है माइनस पाई बाई टू, पाई बाई फोर से लेकर के थ्री पाई बाई फोर तक, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको या तो हम टेन में बना लें तो भी लग जाएगा, या फिर कॉन्जुगेट कर दें तो भी लग जाएगा, तो टेन वाला ज़्यादा ठीक है, वही कर दें हम, तो इसमें लिखेंगे टेन इनवर्स, इसमें हम कास से भाग देंगे और बटे के नीचे वाले को भी कास से भाग दे देंगे, तो ये बनेगा कास एक्स अपान कास एक्स, अब माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स अपान कास एक्स, उसी तरह से बटे के नीचे वाला भी भाग देंगे तो कास एक्स बटे कास एक्स और प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स, ये इतना मान हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो कास से कास कट जाएगा, साइन ये कास से कास कट जाएगा तो वन माइनस आ जाएगा ये टेन एक्स अपान ये बन जाएगा वन प्लस टेन एक्स। अब इसको हमें सूत्र बनाना है, टेन ए माइनस बी का सूत्र बना देंगे हम, तो यहाँ एक की जगह पर हम रख देंगे टेन पाई बाई फोर, और ये माइनस टेन एक्स ही है, इसको वैसे रहने देंगे, तो टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, तो वन प्लस टेन ए की जगह हो जाएगा टेन पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का मान एक होता है, इंटू टेन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे और, तो आ जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, इसका सूत्र बन जाएगा ये
टेन ए माइनस बी यानी टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन हट जाएगा तो आएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये लिखा ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स माइनस में है और स्क्वायर में है तो यहाँ पर हम साइन रखेंगे, तो यहाँ पर हमको एक्स का मान साइन रख देंगे आराम से आ जाएगा, एक्स का मान रख देंगे साइन थीटा, लेकिन ये है यहाँ पर तो रखेंगे ये साइन थीटा, तो थीटा का मान जब निकालेंगे तो आएगा एक्स बटे ये बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ये, तो मान रखेंगे यहाँ पर हम, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह ये साइन थीटा अपान रूट में ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना बन गया। अब टेन इनवर्स ये साइन थीटा अपान ये स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो ये बनकर आएगा, और रूट के अंदर बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बनेगा टेन इनवर्स ये से ये कैंसिल, तो साइन थीटा अपान वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर है और रूट है तो हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन टेन हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ थीटा, और थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स अपान ये, यही इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ये। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये दसवां वाला है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। यहाँ दिया कि ये ग्रेटर देन जीरो और एक्स की वैल्यू दिया माइनस ये अपान रूट थ्री से ये अपान रूट थ्री, तो इसमें हमको क्या करना है कि एक्स का मान सीधा सीधा रख दो टेन थीटा बस, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, लेकिन टेन थीटा रखेंगे बीच में ये भी है तो यहाँ रखो ये टेन थीटा, एक्स बराबर ये टेन थीटा रख दो, तो थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा टेन इनवर्स एक्स अपान ये, तो एक्स बराबर ये टेन थीटा रख देंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री ये स्क्वायर ये टेन थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा ये क्यूब टेन क्यूब थीटा अपान ये क्यूब वैसे रहेगा, और माइनस थ्री ये एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ये स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो यहाँ से ये क्यूब और ये क्यूब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा थ्री टेन थीटा और माइनस ये रहेगा टेन क्यूब थीटा और बटे के नीचे हो जाएगा ये क्यूब यहाँ भी कॉमन है तो आया वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये क्यूब से ये क्यूब कट गया और ये बचा टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला है तो इसको लिख देंगे टेन थ्री थीटा, तो इनवर्स और टेन हट जाएगा बचेगा थ्री थीटा, तो थ्री इंटू थीटा का मान आया है ये टेन इनवर्स एक्स अपान ये, टेन इनवर्स एक्स अपान ये, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा फार्मूले का यूज है, फार्मूला अगर याद है तो मान आसानी से आ जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को, ग्यारहवें में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, इसमें हमको मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे हल किया जाए, कैसे निकाला जाए मान को, ये यहाँ इनवर्स होना चाहिए, तो टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स एक बटे दो, तो साइन इनवर्स एक बटे दो कितने का मान होता है, ये साइन तीस का मान होता है एक बटे दो, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा यानी कि आएगा तीस अंश, और तीस अंश को पाई बाई लिख सकते हैं सिक्स, तो दो कन्नम दो, दो तिहाई छः, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री, तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का मतलब होता है कॉस साठ, पाई की जगह रख देंगे 180 और तीन से काटेंगे तो 60 आएगा, तो कॉस 60 का मान होता है एक बटे दो, दो से दो कट गया आया एक, यानी कि टेन इनवर्स वन आ गया, और टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर का मान होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आएगा पाई बाई फोर। अब अगले को सॉल्व करेंगे हम, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, काट टेन इनवर्स ये प्लस काट इनवर्स ये, तो अभी हमने बताया था कुछ देर पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू,
तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा रख देना इसकी जगह पर पाई बाई टू। अब काट पाई बाई टू यानी काट 90 अंश, काट 90 का मान कितना होता है, काट 90 का मान होता है जीरो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, काट 90 का मान जीरो। बहुत ही सिंपल था, इसमें ये फार्मूले का कमाल है बस। अब 13वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेन 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1+x² प्लस कॉस इनवर्स 1-y² / 1+y² ये इतना दिया हुआ है। इसमें हमको x और y दोनों का मान रखना है, और या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 2 tan inverse x का फार्मूला है और ये 2 tan inverse y का फार्मूला है। चाहे तो डायरेक्ट मान रख दें, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इसमें हम मान रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको x इक्वल टू रख देंगे tan थीटा, उसी तरह से y इक्वल टू रख देंगे tan फाई, मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो आएगा tan 1/2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan θ/1+tan²θ, और प्लस इसी तरह से इसमें रखेंगे हम मान, तो कॉस इनवर्स 1-tan²φ/1+tan²φ। अब इसको सॉल्व करेंगे, और तो tan 1/2 इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये साइन 2θ का सूत्र बनता है, ये 2 tan θ/1+tan²θ, ये tan टू साइन 2θ का सूत्र है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो tan 2θ का होता सूत्र, तो यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन 2θ, और प्लस इसी तरह से ये cos 2φ का फार्मूला है, तो यहाँ लिख देंगे cos 2φ, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और cos इनवर्स से cos, तो आ जाएगा tan 1/2, तो ये बचेगा 2θ और प्लस 2φ, तो tan 1/2 इसमें से दो कॉमन कर लेंगे तो दो बाहर आएगा, कट जाएगा ये, अब बचेगा थीटा प्लस फाई। थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x आएगा, और उसी तरह से फाई का हो जाएगा tan इनवर्स y, तो ये बन गया tan, अब ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1-xy, तो इनवर्स से tan हट जाएगा, तो आएगा x प्लस y 1-xy, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ये 14वां क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान बताइए, चाहे तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं हम, तो डायरेक्ट ना लगाएं, एक का मान रखें, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, साइन में कितने का मान होता है, साइन 90 का मान, यानी कि साइन पाई बाई 2 का मान होता है, तो साइन साइन दोनों तरफ कट जाएंगे, तो बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो अब ये लिखेंगे कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5, तो ये बना कॉस इनवर्स x बराबर, अगर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिखा है तो उसको लिखेंगे कॉस इनवर्स x, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 1/5, यही इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स x माइनस 1/x+2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर पाई बाई 4, तो इसमें x का मान बताना है, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स इसको मानेंगे ये, और tan इनवर्स इसको मानेंगे b, तो ये और b का सूत्र लगा करके इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा tan इनवर्स इसको मानेंगे ये, इसको मानेंगे b, तो ये प्लस b, यानी x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2, अब बटे के नीचे होता है 1-ab, तो 1-x-1/x-2 गुड़े x प्लस 1/x+2, ये इतना मान आया, अब बराबर है पाई बाई 4, ये दिया है पाई बाई 4, तो tan इनवर्स को उधर भेज देंगे तो tan पाई बाई 4 बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करें, x माइनस 2 x प्लस 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2 को अगर हम x माइनस 2 से भाग करेंगे तो बचेगा x प्लस 2, और जाकर के x माइनस 1 से गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो आएगा x का x से गुणा x स्क्वायर, x का 2 से गुणा 2x, और माइनस 1 का x से गुणा माइनस x, माइनस 1 का 2 से गुणा माइनस 2,
उसी तरह से ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो यक्स का यक्स से गुणा यक्स और यक्स का एक से गुणा यक्स का एक से गुणा यक्स स्क्वायर और ये यक्स आएगा, माइनस दो का यक्स से गुणा माइनस दो यक्स और माइनस दो का एक से गुणा माइनस दो, अब बटे के नीचे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएगा और एलसीएम लेंगे तो वही रह जाएगा यक्स माइनस दो और यक्स प्लस दो। इस पूरे को अगर हम एक से भाग करेंगे तो यही पूरा आएगा, अब ये जा करके एक से गुणा हो जाएगा, यानी कि इसको गुणा करके लिखें हम तो ये प्लस बी ये माइनस बी लिखा है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर माइनस दो दुनी चार और माइनस, इस पूरे को अगर इस पूरे से भाग देंगे तो एक आएगा, एक का इस पूरे से गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, तो यक्स माइनस वन यक्स प्लस वन गुणा होगा तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस वन, टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन पाई बाई फोर बन जाएगा, ये पूरा मान कैंसिल, इसमें टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा प्लस माइनस है और ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर और माइनस दो हो जाएगा माइनस चार बटे यक्स स्क्वायर माइनस चार, और ये माइनस ब्रेकर हटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस वन, टेन पाई बाई फोर का मान होता है वन, तो यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर माइनस चार बटे माइनस चार और प्लस एक आएगा माइनस तीन बराबर एक बटे एक, कहीं से गुणा करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर माइनस तीन, चार को उधर भेजेंगे तो दो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तीन प्लस चार, तो दो एक्स स्क्वायर बराबर चार में से तीन घटेगा एक, अब ये मान हमको मिला यक्स स्क्वायर बराबर एक बटे दो, यानी यक्स का मान मिल जाएगा प्लस माइनस एक बटे रूट दो, ये मान आ गया यक्स का। अब देखेंगे 16वें क्वेश्चन को, लिखा 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, इसमें हमको मान निकालना है, तो साइन इनवर्स ये लिखा है साइन 2 पाई बाई थ्री, हमको पता है कि साइन का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के बीच में होता है, तो ये 2 पाई बाई थ्री ये पाई बाई टू से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, चेक करके देख सकते हैं, पाई का मान होता है 180, 180 दुन्ना 360 बटे तीन, तीन से काटेंगे ये 120 आएगा, तो ज़्यादा मान है, तो इसको हमें पहले इसके बीच में मान करना पड़ेगा, तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको हम कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री, देखो तीन का नम तीन में से एक गया दो पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री हमने कर दिया, तो अब ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे का मान होता है प्लस में, साइन का मान दूसरे में प्लस में होता है, तो ये बना पाई बाई थ्री, इनवर्स ऑफ साइन हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ पाई बाई थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 17वाला भी सेम उसे है, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, और ये टेन का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच होता है इसका मान, तो ये भी वही काम करेंगे टेन पाई माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि चार कन्नम चार में से गया तीन पाई बाई फोर हो जाएगा, तो इसको हम पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं, अब यह आ जाएगा टेन इनवर्स टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा और दूसरे में टेन का मान माइनस होता है, तो ये बनेगा माइनस टेन पाई बाई फोर, तो हमें माइनस को अंदर करना होगा, तो माइनस को अंदर करने के लिए लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाई फोर, ये चौथे चतुर्थांश के नियम के अनुसार है, चौथे के अनुसार टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, तो टेन इनवर्स और टेन हट जाएगा तो आएगा माइनस पाई बाई फोर, ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये जो मान आया वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 18वाला, तो 18वाले को हमें पहले चेंज करना होगा, ये साइन इनवर्स 3/5 है, ये काट इनवर्स 2/3 3/2 है, तो या तो साइन को काट में बदल लें या तो काट को हमें साइन में बदल लें, तो इससे अच्छा है कि साइन और काट दोनों को हम टेन में बदल दें, क्योंकि हमको लाना है टेन में, तो साइन को भी टेन में बदल दें काट को भी टेन में बदल दें, तो साइन का ये दिया है 3/5, 3/5 का मतलब साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण है 5, तो आधार बनेगा 4 पाइथागोरस के अनुसार, तो ये बन जाएगा टेन, तो यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार आ गया 4, तो दूसरा काट को टेन में बदलने के लिए सीधा इसको पलट देंगे, क्योंकि काट टेन का एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3, ये डायरेक्ट पलट जाएगा, तो टेन, अब ये टेन इनवर्स ये प्लस टेन इनवर्स भी हो गया, तो इसमें टेन इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे
तो टेन इनवर्स ऊपर रहेगा ए प्लस बी, यानी 3/4 प्लस 2/3 और बटे ए माइनस 1 - ab, तो 3/4 गुणे 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेन टेन इनवर्स तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और ये 12 को 4 से भाग करेंगे 3, 3 का 3 से गुणा 9 प्लस 12 का 3 से भाग 4, 4 दुनिया 8 और बटे 4 थे 12 का नम 12 माइनस 3 दुनिया 6/12, 12 से 12 कट गया तो ये माना है टेन इनवर्स, और टेन को हटा सकते हैं तो 9 8 17/12 में से 6 गए 6, यानी कि ये मान इसका आ गया 17/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल करेंगे हम, ये 19 नंबर है जो कि ऑब्जेक्टिव में है, तो कास इनवर्स कास 7π/6, हमको पता है कि जो कास का मान है वो 0 से पाई के बीच में रहता है, इसका जो अंतराल है वो 0 to π होता है, तो इसको हमें लिखना होगा कास इनवर्स। अब इसको चेंज करेंगे कि 0 to π के बीच मान आ जाए, तो इसको हम चेंज कर दें 2π माइनस करके, अगर इसको लिख दें हम कास 2π माइनस, यहाँ कितना होना चाहिए 5π/6, तो 6 × 12 12 में से 5 गया 7, ये बन गया आराम से, अब 5π/6 जो है वो 0 to π के बीच में मान इसका है, तो लिखेंगे कास इनवर्स कास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कास लिखा है 360 माइनस 2π का मतलब 360, और 360 माइनस थीटा ये आएगा चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कास का मान प्लस होता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 5π/6, कास इनवर्स से कास हट जाएगा तो आ जाएगा 5π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो 5π/6 यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे 20 नंबर वाले क्वेश्चन को, 20 नंबर है साइन 5/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये इतना लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे साइन, ये 5/3 लिखा है तो चाहो तो 5/3 ऐसे लिखा रहने दें, और माइनस ये साइन इनवर्स माइनस में लिखा है तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो ये बन जाएगा साइन 5/3 और प्लस ये 1/2 साइन 30 का मान होता है, अब साइन 30 को लिखेंगे हम 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 का 3 से भाग 2 तो हो जाएगा 2π प्लस 6 का 6 से भाग 1π, तो 2 1 3 ये बनेगा साइन 3π/6, 3 का नम 3, 3 दुनी 6 तो ये आ गया साइन 5/2, साइन 5/2 का मतलब 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। ये 21 नंबर क्वेश्चन इस अभ्यास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स √3, तो इसको इसे लिख देंगे टेन इनवर्स √3 को माइनस, ये काट इनवर्स माइनस में दिया है तो माइनस को बाहर निकालने के लिए वही कास वाला नियम लगाएंगे हम, तो लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स √3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो टेन इनवर्स √3 ये टेन 60 का मान होता है √3, तो इसको पाई में करेंगे तो हो जाएगा π/3 माइनस पाई, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस, अब ये काट इनवर्स √3 ये 30 का मान होता है तो 30 को लिखेंगे हम π/6। अब एलसीएम ले लेंगे बटे 1 करके, 3 1 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 का 3 से भाग 3 दुनी 6, 2 का पाई से गुणा 2π, 6 का 1 से भाग 6 और पाई से गुणा 6π प्लस 6 का 6 से भाग 1, 1 का पाई से गुणा पाई, तो 2 और 1 3π और माइनस 6π/6, 6π में से 3π घटाएंगे तो आएगा माइनस 3π/6, 3 का नम 3, 3 दुनी 6 तो आएगा माइनस π/2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अभ्यास समाप्त हो गया, इसके बाद जो अभ्यास है वो विविध प्रश्नावली का है, उसको अगले दिन कवर करेंगे हम, तब तक इसको अच्छे से देखें समझें, अपना नोट्स बनाते चलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, तथा अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। तो आज का ये 2.2 अभ्यास समाप्त हो गया, इसके बाद जो अभ्यास आएगा वो विविध प्रश्नावली का है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कंपटीशन लेवल के, तो उसको अगले दिन कवर करेंगे हम, तब तक इसको अच्छे से देखें समझें और अपना नोट्स बनाते चलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें, तथा अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।